हेलो स्टूडेंट्स फंडामेंटल ऑफ मिकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर आज हम बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज के बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं तो फर्स्ट पॉइंट बॉयलर माउंटिंग क्या है इट प्रोवाइड फॉर द सेफ्टी एंड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ प्रोसेस ऑफ द स्टीम जनरेशन तो स्टीम जनरेट होती है उसकी सेफ्टी के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए हम अलग अलग तरीके के माउंटिंग लगवाते हैं जबकि एसेसरीज जो है वो हम क्यों इंस्टॉल करते हैं वो बॉयलर का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हम अलग अलग, अलग तरीके की एसेसरीज लगवाते हैं सेकंड पॉइंट है माउंटिंग फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉयलर एंड आर माउंटेड ऑन द बॉडी ऑफ द बॉयलर इट जो बॉयलर का अगर बॉयलर का नाम बोले तो बॉयलर के नाम के अंदर एक जो माउंटिंग है वो अंदर एक इंक्लूडेड आ जाएगी दैट मीन्स के बॉयलर का ही एक पार्ट है माउंटिंग जबकि एसेसरीज जो है वो एसेसरीज आर नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉयलर जो हमें एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमें अलग अलग एसेसरीज अलग से लगानी पड़ती है बॉयलर के अंदर देन द कॉस्ट ऑफ द ईच माउंटिंग इज इंक्लूडेड इन द बेसिक कॉस्ट ऑफ द बॉयलर जब बॉयलर की कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं इतनी बॉयलर की कॉस्ट है तो उसके अंदर बॉयलर के माउंटिंग की कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है जबकि एसेसरीज जो है तो एसेसरीज की जो कॉस्ट है वो बॉयलर के mark, जो उसकी जो बेसिक कॉस्ट है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है अब सबको पता है हम कोई व्हीकल लेने जाते हैं कोई कार लेने जाते हैं तो उसकी जो हेडलाइट है वो हेडलाइट वो क्या हो जाती है उसका एक इंटीग्रल पार्ट ही है वो हमें रिक्वायर्ड है जबकि उसके अंदर जो सीट कवर की बात करें तो सीट कवर हमें अलग से लगाने पड़ते हैं वो हमारे 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 एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसे ही उसकी कॉस्ट उसकी जो बेसिक कॉस्ट है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती है वैसे ही बॉयलर में भी एसेसरीज का कुछ ऐसा SI ही है देन नेक्स्ट है बॉयलर माउंटिंग आर कंपल्सरी एज पर द बॉयलर एक्ट जैसे आर का जो एक्ट है वैसे ही बॉयलर का जो एक्ट है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन उसके हिसाब से ये माउंटिंग जो है बॉयलर के अंदर लगाना कंपलसरी है ओके जबकि एसेसरीज आर नॉट कंपलसरी एज पर द बॉयलर एक्ट अब कुछ माउंटिंग और कुछ एसेसरीज का हम लिस्ट देख लेते हैं माउंटिंग किस तरीके का होता है वाटर लेवल इंडिकेटर दो नंग होने चाहिए दो सेफ्टी वाल होने चाहिए फ्यूजिबल प्लग प्रेशर गेज होने चाहिए फीड चेक वाल स्टीम स्टॉप वाल ब्लो ऑफ कॉक और मेन होल मड होल ये सारी जो चीज़ है इतनी माउंटिंग तो बॉयलर के अंदर लगी होनी कंपलसरी, जरूरी है जबकि ये कुछ एसेसरीज है जो हम लगवाते हैं बॉयलर का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए वो है सुपर हीटर इकोनोमाइजर एयर प्री हीटर फीड वाटर हीटर और फीड पंप जो है ओके तो ये था बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज का डिफरेंस दोस्तों तो ये जितनी भी बॉयलर एसेसरीज और माउंटिंग है ये सब के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों ओके तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक अलग टॉपिक के साथ थैंक यू वेरी मच